संडे स्पेशल मटन करी, ये देखने में जैसे आपको टेस्टी लग रहा है ना, खाने में तो उसका दो गुना टेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाते हैं। आप घर पे कुकर में, घर पे जो आपका इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हो। तो इसका फाइनल लुक आप पहले देख लीजिए, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे मटन करी है तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही आप आसान तरीका से बहुत फटाफट आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मटन को अच्छे से वॉश करना है और उसमें आपको दो प्याज को ऐड कर देना है, यानी पहले आपको कम से कम 1 आवर के लिए मैरिनेट करना है। और फिर इसमें ब्लैक पेपर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, जीरा एंड धनिया पाउडर और दही, इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको मटन के साथ अच्छे से मिक्स करना है और कम से कम 1 आवर के लिए आपको इसे ऐसे मैरिनेशन करके छोड़ के रखना है। तो फ्रेंड, ये जो मटन करी है ना, तो मटन करी इसलिए मैं आसान तरीका बता रही हूँ क्योंकि आप ऐसे इसको 1 घंटे के लिए आप मैरिनेशन में रख कर दूसरा काम भी आप कर सकते हो। तो कम से कम 1 घंटा इसे मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली एंड उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दी। और इस मटन करी को मैं आलू के साथ बनाऊंगी, तो आप चाहे आलू ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। आलू को मैं सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी ओनली फॉर सॉल्ट और हल्दी देकर। फिर मैंने कुकर ले ली एंड कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दी। मटन को जब भी आप बनाओगे ना फ्रेंड, तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनाना। और 2 सूखा मिर्च, 3 पत्ते और साबुत जीरा इसमें ऐड करने के बाद मैंने बड़ा सा 4 प्याज को इसमें ऐड कर दूंगी, यानी फ्राई करना है। इस मटन करी में लहसुन की पेस्ट ऐड के बिना आप लहसुन को कूटकर, यानी कूटा हुआ लहसुन को ऐड करोगे तो इट विल बी मोर टेस्टी। तो इसमें मैंने वो कूटा हुआ लहसुन मैंने ऐड कर दी एंड देन इसे मैं थोड़ा सा सिम करके ओवन को मैंने इसे कुक करूंगी। एंड देन इसमें मैंने टमाटर को ऐड कर दी, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा स्पून अदरक की पेस्ट, हल्दी, हल्दी आपको आपने पहले मैरिनेशन में दिया है तो थोड़ा सा कम ही देना है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो सॉल्ट मैंने थोड़ा सा कम ही ऐड किया क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी सॉल्ट को ऐड कर दिया था। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में कम से कम इस मसाला को 7 मिनट के लिए आपको अच्छे से पकाना है। तो 7 मिनट हो चुका है, ये मसाला मेरा अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैरिनेशन किया हुआ मटन को। इस तरीका से एक बार बना के खाइए फ्रेंड, बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं, टेस्टी होते हैं और सबसे बड़े बात है कि आपका ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे आपको, इस मटन को आपको मीडियम फ्लेम में कम से कम 15-20 मिनट के लिए अच्छे से इसे पकाना है। तो देख लीजिए, इसमें से अभी मटन से वाटर रिलीज हो चुका है एंड देन इसी कंडीशन में और 5 मिनट के लिए इसे मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैंने इसमें जीरे धनिया पाउडर और घर पे मैं गरम मसाला पाउडर बनाती हूँ तो उसको मैंने ऐड कर दी एंड देन इसे मैं हल्का हाथों से इसे मैं सॉटे करूँगी। कुकर में ना मटन बनाने से तो एक ही बड़ा बात होते हैं कि कुकर में मटन बनाने से ना ये फटाफट बनते भी हैं और मटन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इजी टू डाइजेस्ट। ये ऑलमोस्ट मेरा बनने वाला है एंड इनी स्टेज में मैंने इसमें फ्राई किया हुआ आलू को ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो आलू को स्किप कर सकते हो। एंड देन मैंने इसमें ऐड करूंगी कूटा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर तो मैंने पहले ऐड किया था, अभी मैंने गरम मसाला को थोड़ा कूट के इसमें ऐड कर दी। तो गरम मसाला को कूट के ऐड करोगे तो इसमें से अच्छा सा फ्लेवर आएगा। एंड देन इसमें और एक चीज़ मैंने ऐड करूंगी,
वो है लहसुन। थोड़ा सा 3-4 कली लहसुन आप इसमें ऐड कर दीजिए तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एंड देन गरम वाटर, वाटर कितना ऐड करना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें वाटर को ऐड कर दीजिए। और बस इसकी कुकर को ढक्कन लगा के एक व्हिसल तक इसे वेट कर लीजिए, फिर इसका मजा ले लीजिए। तो फ्रेंड ये मेरा परफेक्टली बनने वाला क्यों है, ये तो बन ही चुका है मेरा मटन करी संडे स्पेशल। संडे तो घर पे बहुत सारे काम होते हैं तो इसलिए मैं संडे ट्राई करती हूँ थोड़ा सा इजी तरीका से फटाफट कोई भी रेसिपी को बनाने के लिए। तो फ्रेंड आज इतना तक, फिर मिलते हैं और एक नया यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे रहे, हेल्दी रहे, अच्छा खाना बनाए, खुद खाइए और फैमिली वाले को भी खिलाइए। बाय बाय एंड टाटा। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।